औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हांडाखुंडी में स्थापित बैटरी उद्योग के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करने वाले याचिकाकर्ता और गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के ठेकेदार द्वारा उन पर हमला कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नालागढ़ के SGM को शिकायत की। लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हांडाखुंडी में देर रात गाँव में कंपनी के प्रदूषण से प्रभावित लोग व याचिकाकर्ता के घर में हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर बैठक कर रहे थे कि उसी समय कंपनी का ठेकेदार अपने साथ 20-25 बाउंसरों को लेकर तेजधार हथियारों से इस मौके पर पहुंचा और याचिकाकर्ता व गांव वालों पर हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने के लिए दबाव बनाना चाहा और साथ ही धमकी दी कि याचिका वापस नहीं ली तो वे गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नालागढ़ के SGM को शिकायत की है। उसमें जो बैटरी बनाने वाला उद्योग है उसके लिए वहाँ पर हाई कोर्ट से इनकी शिकायत के ऊपर हाई कोर्ट से एक कमेटी आई थी। हाई कोर्ट ने सैंपल पानी का सैंपल भरा गया। इनकी शिकायत ये थी कि जो जो पशु हमारे उसमें वहाँ पर पानी पीते हैं उनको कुछ पशु तो इनके मर गए, कुछ पशुओं का दूध पीने से जो स्थानीय लोग हैं वो बीमार पड़ गए तथा कुछ आम जनता को आम लोगों को लेडीज को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है तथा इनकी फसलें नष्ट हो रही है। उसके लिए जो उस दिन सैंपल लिए गए हाई कोर्ट की पूरी टीम साथ थी व साथ में उनके SGM साहब भी थे। अब इनको फैक्ट्री वालों को ये खतरा हो गया है कि ये सैंपल हो सकता है फेल हो जाए, फिर जब सैंपल फेल हो जाएगा तो फिर उनकी उस उद्योग की बिजली कट जाएगी। इसके लिए उन्हें कुछ शरारती तत्वों को आगे करके गाँव वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तथा ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपना केस वापस लो। जैसा कि इन्होंने रात को इनके साथ मारपीट होने का भी अंदेशा रहा, उसमें मतलब डंडे लेकर के कुल्हाड़ी लेकर उनको डराया गया, धमकाया गया कि आप अपना केस वापस लो नहीं तो हम आपको मार देंगे, पीट देंगे। तो इस विषय में इन्होंने हमारे को बुलाया। बुलाने के बाद हम सभी लोग मिलके SGM साहब के पास गए। SGM साहब ने इनकी एप्लीकेशन को, हमारी एप्लीकेशन को SHO नालागढ़ के पास मार कर दिया। 15-20 मुंडे हो जी भैया, उन्होंने हाथों में गडासियाँ चुकी हुई, डंडे चके हुए जी, सारे पिंड धमकाया गया इन्होंने भी अपने केस वापस लो नहीं तो भी सारे इनके परिवार में जला दूंगे, मार दूंगे। सारे पिंड धमकियाँ दे रहे जी। केस क्या चलिया वा? केस अपने फैक्ट्री का हाई कोर्ट से आए थे प्रदूषण बारे, वो सैंपल ले गए हुए, उसका फैसला आना जी 20 तारीख को। अज जी असी अपने मेहर के खिलाफ अपने SGM को रिपोर्ट लिखाई है, एप्लीकेशन दी भी सा सुरक्षा वास्ते कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि धमकियां दे रहा जी गलत। बाकी SHO को गए जी थाने जी, साढ़े बच्चे मीटिंग कर रहे थे कंपनी बारे जी, मेयर ने आके मेयर ने अपना सारा परिवार लेके सारे गाँव वाले धमकाया, डराया, लड़ाई झगड़ा करया। उसने बोलिया कि फैसला वापस ले लो, अज असी अपनी सुरक्षा वास्ते कोर्ट में आए हुए। वहीं नालागढ़ के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में तो दे दिया ना, कार्रवाई कर रहे हैं, पहले भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर है ना, मिट्टी के सैंपल लिए वहां से। कह रहे हैं कि केस वापस लो, हर बार धमका रहे, इससे पहले भी एक शिकायत दे चुके हैं ये लोग। नहीं पहले तो नहीं, हमारे को तो पहले शिकायत मिली है। इससे पहले एक व्यक्ति ने CM साहब का नाम भी इस्तेमाल किया था, उसकी भी शिकायत दी हुई। नहीं नहीं, पुलिस तो फिर कार्रवाई करेगी ना, पुलिस को क्या उसमें, जो भी जैसे किसी के खिलाफ कार्रवाई बनती हो करनी है। सर उसमें साथ में साथ कई लोगों और लोगों के नाम जोड़े हुए इसमें, ये तो जो सामने आएंगे ना, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें कि लोगों की शिकायत पर कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट द्वारा गठित टीम ने कंपनी से निकलने वाले दूषित पानी और मिट्टी के सैंपल लिए थे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।